आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत सेक्शन ए, इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है नगरीय स्थलों में विचलन, अर्थात नगरीय स्थानों पर विचलन। तो ये तीन शब्द हैं, एक तो है नगर, एक है स्थान और तीसरा है विचलन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे भारतीय समाज के अंतर्गत नगरीकरण हो रहा है, और नगरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें गांव के लोग गांव छोड़कर नगरों में जाकर के बसते हैं। गांव के लोग जब नगरों में जाकर बसते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है नगरीकरण। अब नगरीय स्थानों पर विचलन, और विचलन एक प्रकार का व्यवहार है, एक प्रकार का व्यवहार है जो समाज के नियमों के विपरीत है, संस्थागत नियमों के विपरीत आचरण करना, नियमों का उल्लंघन करना ही विचलन कहलाता है। यदि एक व्यक्ति समाज के अंतर्गत कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो समाज के नियमों के विपरीत हो, संस्थागत नियमों के विपरीत हो, जो समाज में प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, समाज के लोगों को बाधक हो, ऐसा व्यवहार समाज में विचलित व्यवहार कहलाता है। विचलित व्यवहार का जो उल्लेख किया है विचलन शब्द का, वो रॉबर्ट गेमल्टन ने किया है, लेकिन इससे पूर्व फ्रांस के विद्वान इमैनुअल कांट ने विचलन के स्थान पर नियमहीनता को उल्लेख किया, अर्थात एक ऐसा व्यवहार जो समाज के नियमों के विपरीत हो वो व्यवहार हमारे लिए क्या लगता है, नियमहीनता को। लेकिन बाद में रॉबर्ट के मर्टन ने नियमहीनता के समान शब्द और ऐसा व्यवहार जो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, समाज के नियमों और मान्यताओं संस्थागत नियम के विपरीत हो, कानून का उल्लंघन हो, ऐसे व्यवहार को विचलन शब्द का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले नगरीय स्थल, वे स्थान जहां अधिक भीड़ भाड़, अपराध, औद्योगिक क्षेत्र, सड़क, परिवहन और उच्च शिक्षा आदि के केंद्र हो, ऐसे स्थानों को हम कहते हैं नगरीय स्थल। दूसरा जो शब्द है विचलन, विचलन एक ऐसा व्यवहार है वह क्रिया है जो संस्थागत नियम के विपरीत हो, अर्थात समाज के नियम और मानदंडों के उल्लंघन करना ही विचलन है। लेकिन विचलन के विपरीत एक और विचारधारा है, एक शब्द है अनुरूपता और एक शब्द है विचलन। अनुरूपता का मतलब होता है उसके अनुरूप कार्य करना, अर्थात समाज के नियमों के अनुरूप कार्य करना अनुरूप कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति समाज और संस्थागत नियम के अनुसार उनकी मान्यता के अनुसार कार्य करता है तो ऐसे व्यवहार को हम कहते हैं अनुरूपता, अर्थात उसके अनुरूप कार्य करता है, अच्छा व्यवहार करता है, अनुकूल व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यवहार को हम कहते हैं अनुरूपता। और अनुरूपता के बिल्कुल जो व्यवहार है वो कहलाता है विचलन, अर्थात ऐसा व्यवहार जिस पर समाज पर, जिसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, समाज के लिए हानि उत्पन्न होती हो, समाज के लिए नुकसानदायक हो, समाज व्यक्ति के लिए घातक हो, ऐसा व्यवहार हम कहते हैं विचलित व्यवहार। विचलित व्यवहार के संबंध में सर्वप्रथम रॉबर्ट और कोहेन इत्यादि ने अपने विचार रखे थे। रॉबर्ट सोशल डायवर्जेंस के अंतर्गत, अर्थात तो विचलन, तो सामाजिक विचलन, कि जैसे जैसे भारतीय समाज का नगरीकरण होता जाएगा, नगरीकरण से गांव के लोग गांव छोड़ करके नगरों में जाकर के बसते हैं, जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, अपराधों को बढ़ावा देते हैं, समाज के नियमों के विपरीत कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम क्या कहते हैं, विचलन। गांव के लोग गांव छोड़कर नगरों में जाकर बसते हैं, नगरों में जाकर बसते हैं और नगरीय जनसंख्या में
वृद्धि करते हैं तथा नगरों के नियमों के विपरीत व्यवहार करते थे। तो वहां विचलन उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है कि जब हम गांव के लोग गांव छोड़कर के नगरों में जाकर बसते हैं तो साथ ही नगरीय जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, नगरीय अपराधों में वृद्धि करते हैं, तो वहां पर विचलन जैसी स्थिति हो जाती है। तो गांव के लोगों में अनुशासन के प्रति थोड़ी सी लापरवाही होती है, तो जब नगर में जाते हैं तो उसी अनुशासनात्मक व्यवहार से कार्य करते हैं जिससे कि नगर के लोगों को बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसा व्यवहार जिससे समाज के लोगों को परेशान होती हो वो व्यवहार विचलित व्यवहार कहलाता है। कोहन के अनुसार परिभाषा में एक ऐसा व्यवहार जो समाज व संस्थागत नियमों के विपरीत हो विचलन अर्थात एक ऐसा व्यवहार जो समाज व संस्थागत नियमों के विपरीत हो वो व्यवहार कहलाता है। अर्थात समाज के कुछ नियम और मानदंड होते हैं, समाज के कुछ नियम व मानदंड होते हैं जब व्यक्ति उन नियम और मानदंडों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता तो वह व्यवहार वाकारी है, विचलन की श्रेणी में आता है। विचलन कहलाता है वह व्यवहार जो समाज और संस्थागत नियमों के समाज के मानदंड कार्य प्रणाली को विपरीत हो, जिस पर समाज का बिल्कुल प्रभाव पड़ता हो, समाज के लिए हानि होती हो, ऐसे व्यवहार को कोहन के अनुसार भी विचलन कहते हैं। इसी बात को रॉबर्ट के मर्टन ने रॉबर्ट के मर्टन ने वह व्यवहार जो संस्थागत नियम के अनुरूप ना हो वह व्यवहार व कार्य जो संस्थागत नियमों के अनुरूप ना हो। तथा समाज के तथा संस्था के विपरीत व्यवहार विचलन कहलाता है।
कि जैसे जैसे नगरीकरण औद्योगिकरण जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे ही समाज के जो नियम कम होते चले जाए कमजोर होते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विचरण एक व्यवहार है जो समाज के नियमों को कमजोर करता है, समाज के नियमों के विपरीत कार्य करना ही विचलित व्यवहार है। कि जिस प्रकार से नगरीकरण होगा तो नगरीकरण के अंतर्गत गाँव के लिए गाँव के लोगों में जाकर बसते हैं तो वहाँ क्या है कि नगरों के नियमों के अनुसार वो व्यवहार नहीं कर पाते अर्थात उसके विपरीत व्यवहार करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे औद्योगिकरण होगा जनसंख्या वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर कम होंगे, जनसंख्या अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में भी लोग रोजगार को प्राप्त करने के लिए समाज के संस्थागत नियमों के विपरीत भी कार्य करेंगे। तो यह समस्त भर औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, रोजगार हुआ, इन सभी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हर अवसर प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये सभी को अवसर प्राप्त करना असंभव है, ऐसी स्थिति में वह समाज के व्यक्तित्व संस्थागत व्यक्तित्व को अनुरूप कार्य नहीं करता तो वो हमारी विचलन की स्थिति है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं को नियमों के अनुसार पूर्ति ना करने के बावजूद जब उनको गैरकानूनी रूप से प्राप्त करता है, अपनी आवश्यकता को गैरकानूनी रूप से प्राप्त करता है तो वो व्यवहार हमारे लिए विचलित कहलाता है। तो विचलित एक प्रकार से व्यवहार एक क्रिया एक काम है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को देखते हुए अपने लाभ को देखते हुए समाज के नियमों के विपरीत जब कार्य करता है तो वो हमारे लिए व्यवहार विचलन की स्थिति कहलाती है। समाजशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक युग में विचलन एक गंभीर समस्या है लेकिन दोनों साथ साथ सब चलते हैं, एक है अनुरूपता और एक है विचलन। इमे दक्षिण ने इन दोनों के स्थान पर नियमहीनता का प्रयोग किया है अर्थात नियमहीनता का मतलब है नियमों के विपरीत नियम के अनुकूल कार्य ना करना ही नियमहीनता है। लेकिन बाद में आर के मल्टर ने नियमहीनता के स्थान पर विचलन शब्द का प्रयोग किया है और विचलन शब्द एक ऐसा शब्द है जो किसी संस्थागत विचलन का संबंध संस्थागत से होता है, संस्थागत साधनों के विपरीत संस्थागत नियमों के विपरीत गैर कानूनी रूप से व्यक्ति जब समाज के अंतर्गत व्यवहार करता है तो वो प्रक्रिया विचलन कहलाता है।